ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं, तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है, ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सकें। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम tradingfab.in। आज 22 मई 2020 फ्राइडे है, सुबह के 8:20 हो रहे हैं। फ्राइडे है, हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है। कल वीकली एक्सपायरी का दिन था, काफी एक चौपी मार्केट कल हमें देखने को मिला। एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग हो रहा है, वो रेंज क्या है वो हम डेली चार्ट में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले कल के एनालिसिस का एक रिव्यू करते हैं। क्विकली ये कल का पिक्चर है, यानी 21 मई आफ्टर मार्केट आरसीए पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर यहाँ आई बटन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बना रहा था 9155 और ब्रेकडाउन लेवल बना रहा था 9010। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये 10 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है। निफ्टी इंडेक्स ओपन होने के बाद टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन काफी चौपी मार्केट, काफी लेजी मार्केट देखने को मिल रहा था। यहाँ पर इसने दो बार फर्स्ट अटेम्प्ट किया, बाद में फिर से एक बार 20 EMA के पास ये सपोर्ट टेस्ट करके नॉर्थ की तरफ ये यहाँ से बढ़ रहा था। तो जैसे ही ब्रेकआउट लेवल इसने ब्रेक किया तो ऑलमोस्ट हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पर अचीव हुआ था। हालांकि उसने हाई 9178 का हाई लगाया और यहाँ से फिर से एक बार टूवर्ड्स ये साउथ की तरफ मूव हुआ। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग ट्रेड करते तो 10 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 7500 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। चलते ग्लोबल मार्केट्स के हालात देख लेते। कल अमेरिकी बाजार नासडैक देखे तो फिर से एक बार गिरावट के साथ बंद हुआ, करीब 90 पॉइंट्स का फॉल देखने को मिला। यूरोपियन मार्केट्स भी देखे तो लाल निशान में बंद हुए। यूएस और चाइना के बीच में जो ट्रेड वॉर चल रहा था तो फिर से एक बार उसकी सेकेंड वेव देखने को मिल रही है, तो दुनिया भर इसका असर देखने को मिल रहा है। एशियाई बाजार देखे तो लगभग सभी इस समय लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। हमने चार्ट में भी देखा था लास्ट वीडियो में कि ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड का अभी इस समय हमें स्ट्रक्चर दिखा रहा है, लेकिन जो कल और परसों एक अपसाइड मूव आया था, एक विद इन रेंज में ये मूव हो रहा था, ये ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा था। तो रेंज क्या है देखते हैं। डाउ फ्यूचर भी देखे तो 65 पॉइंट की गिरावट के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है। चलते हैं चार्ट के ऊपर, डेली चार्ट से शुरू करेंगे। ये निफ्टी इंडेक्स का डेली चार्ट है। डेली चार्ट में जैसे कि हमने यहाँ पर कल रेंज को आइडेंटिफाई किया था, ये जो बियरिश कैंडलस्टिक है इसका हाई और इसका लो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। 3 दिन हो गए ये हाई ना ब्रेक हुआ है, ना ही इसका लो ब्रेक हुआ है। कल इसके हाई के पास ही 20 EMA का ये पिंक कलर का ये जो लाइन है, ये 20 EMA का लाइन है, ये भी इसी लेवल के आसपास आ रहा था। तो काफ़ी यहाँ पर एक हर्डल फेस कर रहा था निफ्टी इंडेक्स, इसके ऊपर ही नहीं जा पा रहा था। तो यहाँ पर कंटिन्यू 3 दिन हम कह सकते हैं कि इनसाइड बार ट्रेडिंग चल रहा है, इस रेंज के बीच में ही ट्रेड हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स भी देखे तो एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग देखने को मिल रहा है। काफ़ी कम स्टॉक्स थे जो एक ट्रेंडिंग वे में ट्रेड कर रहे थे। तो अभी फिलहाल जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू डाउन ट्रेंड का ही बना हुआ है। जब तक इसका हाई या फिर लो ब्रेक नहीं मिले करता, हमें आने वाले ट्रेंड का कंफर्मेशन नहीं मिल सकता। तो जो ट्रेंड चल रहा था डाउन ट्रेंड, वो अभी भी यहाँ पर इंटैक्ट है। तो अगर ये यहाँ से रेजिस्टेंस लेके फिर से टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो ये मेजर सपोर्ट होगा, यानी अराउंड 9000 के पास ये जो जहाँ से इसने बाउंस बैक दिखाया था ये लेवल, इसका लो अराउंड 8806 के पास आ रहा है। पास्ट में भी देखा था यहाँ से ये बाउंस बैक हुआ था, तो यहाँ से फिर से एक बार बाउंस बैक ले सकता है। अगर ये लेवल को ब्रेक कर देता है 8800 को, तो नीचे 8700 ब्रेक होने के चांसेस फिर से एक बार ज़्यादा होंगे। तो ये फिलहाल डेली चार्ट का सिनेरियो है, ट्रेंड डाउन ट्रेंड का ही है। लेकिन अगर ये 20 EMA के ऊपर सस्टेन करता है, क्लोज दे देता है, तो चांसेस होंगे फिर से यहाँ से
एक बार अपसाइड मूव हमें देखने को मिले। हालांकि ये 20 EMA 2 बार फेल हो चुका है, इसने इस लेवल के पास 2 बार रेजिस्टेंस फेस करके टुवर्ड साउथ की तरफ मुंह दिखाया। तो थर्ड अटेम्प्ट में अगर ये ऊपर इसके चला जाता है और थर्ड अटेम्प्ट में ये ब्रेक करता है तो हमें यहाँ से अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल अभी डाउन ट्रेंड का सिचुएशन बना हुआ है, लेकिन ये लो अगर फिर से एक बार सपोर्ट का काम करता है तो यहाँ से उम्मीद होगी कि ये फिर से अपसाइड मूव दिखाए। तो ये था डेली चार्ट का सिनेरियो। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। कल का जो हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था, ये ऑलमोस्ट आज का भी ब्रेकआउट लेवल बन सकते हैं। आप देख सकते हैं इसी ये जो बियरिश कैंडलस्टिक का लॉन्ग बियरिश कैंडलस्टिक, इसका जो हाई है यहाँ पर ही इसने कल रेजिस्टेंस फेस किया है। आर्ली चार्ट में देखे तो इस लेवल के ऊपर ये क्लोज नहीं हो पा रहा था, तो ये काफी एक्यूरेट लेवल था। लेकिन इसके ऊपर जो फर्स्ट टारगेट दिया था, ये ऑलमोस्ट ये लेवल जो सेकेंड लार्जेस्ट बियरिश कैंडलस्टिक था, अगर इसका हाई पकड़ लेते तो ऑलमोस्ट एग्जैक्ट ये फर्स्ट टारगेट को अचीव हो जाता था। तो आज ब्रेकडाउन लेवल और ब्रेकआउट लेवल के लिए कल के लेवल्स ही हमें ज़्यादा गाइड कर सकते हैं। तो आज अगर ये कंफर्टेबली ये जो कल का हाई है, यानी ये एक, ये दो और ये आज का पिवट पॉइंट का लेवल, ये तीनों हर्डल अगर ये कंफर्टेबली ब्रेक करता है, यानी 9177 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 9211, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा पिवट पॉइंट का R2 का लेवल, जो कि 9235 के पास है। तो ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। टूवर्ड्स अगर साउथ की तरफ बढ़ता है तो यहाँ पर ये पिवट पॉइंट का S1 का लेवल हमारा बन सकता है ब्रेकडाउन लेवल। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्विंग लो बनाया था पास्ट में इसने, यानी कि जो सपोर्ट का काम कर रहा था, अभी फिर से एक बार इस लेवल के पास ये सपोर्ट टेस्ट करके हो सकता है मे बी बाउंस बैक दिखाए। अगर नहीं, ये लेवल को फिर से एक बार ये ब्रेक करता है टूवर्ड साउथ की तरफ, तो ही हम इंट्राडे के लिए शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 9028, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा 9000, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट लेवल सारे 50 EMA का, फिर 20 EMA, और उसके नीचे एग्जैक्ट ऑलमोस्ट उसी के पास S1 का भी पिवट पॉइंट का लेवल है। तो ये सारे लेवल्स कंफर्टेबली ब्रेक होने दीजिए तो ये इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। तो ये है आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर करें, कमेंट करें, और आपके दोस्तों के साथ भी इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी वीकेंड।